अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप डैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग ACC 311 असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो 10 हैं। किसी भी स्टूडेंट को इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का LMS हैंडलिंग, वीयू इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स या किसी भी चीज़ का वर्किंग के रिलेटेड, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। टीचर ने हमें यहाँ पे स्नैरियो दिया हुआ है। वी ट्रस्ट इज़ अ चैरिटी बेस्ड कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास यहाँ पे एक चैरिटी बेस्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अजीर ट्रस्ट है। डोनेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स। जो इसकी चैरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन इसका मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है कि इसको जो रेवेन्यू या इनकम आती है वो डोनेशन से आती है। विच इज़ यूज टू असिस्ट द डेस्टिट्यूट एंड हैंडीकैप पर्सन, जो कि हैंडीकैप मोहताज या जो इस तरह के एलिजिबल लोग होते हैं उनको वो असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो यूज़ की जाती है। एज पर रेगुलेशन विजिटेड बाई द ट्रस्ट डीड, जो कि रेगुलेशंस हैं उस ट्रस्ट के, उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैंडीकैप लोग हैं उनको उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इट्स डोनेशंस कम फ्रॉम द फॉलोइंग 3 सोर्सेज। ये जो इसको टोटल रेवेन्यू या डोनेशन आती है इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, इसके 3 सोर्सेज हैं। चेक्स कलेक्शन एट जी ऑफिस डिपॉजिटेड डायरेक्टेड बाय द कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव। जो बड़ी बिजनेस कंपनीज होती हैं या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑफिस में वो चेक्स कलेक्शन करते हैं, मतलब डिपॉजिट करवा देते हैं चेक्स। कैश कलेक्शन फ्रॉम द रिनोन्ड पर्सनैलिटीज इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी हु विश टू रिमेन एनोनिमस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते होते और लेकिन वो पेमेंट की फॉर्म में, चेक्स की फॉर्म में वो अगर देते हैं तो पता चल जाता है कि किसके नेम का चेक है या कौन इसका अकाउंट होल्डर है। तो वो जो बंदे होते हैं वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कैश की फॉर्म में वहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं या अफराद होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो पेमेंट जो होती है वो कैश में वहाँ पर सबमिट करवा देते हैं। उसके अलावा कैश कलेक्शन फ्रॉम पब्लिक, जो हमारी बाहर पब्लिक होती है वहाँ से जो कैश कलेक्शन की जाती है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, जो ट्रस्ट आपकी होती है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ होता है वो जाते हैं डिफरेंट बॉक्सेस लेके, डिब्बे आपने बढ़ने हुए देखे होंगे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो वो सुपर मॉल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट उनके बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं, वहाँ से उनकी कलेक्शन होती है। तो ये 3 जो उनके यहाँ सोर्सेज हैं इनकम के। नेक्स्ट वो कहते हैं कैश कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज इज कैटेगराइज एज जनरल डोनेशन बाय जी ट्रस्ट। जो कैश कलेक्शन होती है पब्लिक से वो बहुत बड़ी अमाउंट भी होती है और वो जनरल डोनेशन में आती है उसकी जो कैटेगरी। हाउएवर चेक्स कलेक्शन फ्रॉम कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव एंड कैश कलेक्शन फ्रॉम रिनोन्ड पर्सनैलिटीज एंड इंडिविजुअल्स ऑफन कंप्रीहेंड टू यूज द फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। उसके अलावा जो बड़े लोग हमें, बिजनेस कंपनीज या जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो जो हमें कैश की फॉर्म में या चेक सबमिट करवाते हैं वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, क्योंकि जो ये लोग होते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस वाले होते हैं वो खुद बताते हैं या कह देते हैं कि आपने किसी हॉस्पिटल या किसी नीडी पर्सन या किसी चाइल्डहुड की एजुकेशन या किसी ऑर्फन की इलाज या उसकी स्टडी के लिए आपने ये पेमेंट यूज़ करनी है, तो वो स्पेसिफिक पर्पज उनका होता है। इसमें जो जो पब्लिक से पेमेंट कलेक्ट होती है वो डिफरेंट जनरल में आ जाती है, कोई भी किसी किस्म का भी वेलफेयर में कोई अगर एलिजिबल बंदा हो, लेकिन जो पेमेंट उनके पास से रीनॉन पर्सनैलिटीज और इंडिविजुअल्स के पास से आती है वो उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे जो टीचर की रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। डिस्कस रिस्क डेट जी ट्रस्ट माइज फेस इन प्रोसेस वाइल कैरिंग सच डोनेशंस। आपने वो रिस्क जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं इस प्रोसेस के दौरान, जो कि उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को उस पेमेंट के डोनेशंस को इकट्ठा करने में हो सकते हैं। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क ऑन द ऑडिट एक्टिविटीज। उसके अलावा आपने जो उसका अगर ऑडिट होता है तो उसमें रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं हालात में, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में, उसको आपने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे इसका मैंने सोल्यूशन फाइल जो है वो रेडी कर ली है। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी सोल्यूशन फाइल जो है वो रेडी है। इसके दो क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं।
सॉल्यूशन फाइल के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।